गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू। हमारे सभी जालाई परिवार के एकनिष्ठ कर्मी सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम राम करण दास सर, हरीश सलाह दानीजर, वीरेंद्र देव जी, आईएएस बाबा जी तथा सभी को, प्रेम कुमार साहू जी, प्रेम सागर जी, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि रोज के भांति आदमी हम सभी एक ही मंच पर प्रभात वेला में मिले हैं। बहुत ही खुशी की बात है और जालाइफ हमारे लिए एक ऐसा वरदान साबित होने जा रहा है जो कि हमें मिलाए हैं, मिलाएंगे और मिलाते रहेंगे। जालाइफ से हमें उम्मीद से बढ़कर ज्यादा मिलने का जो आशंका दिख रहा है, सामने जो किराने दिख रही है, हमें एकजुट होकर के इस मंच को आगे बढ़ाते हुए जाना है। और हमारे जो भी साथी अभी भी पीछे पड़े हैं, नकारात्मक ढंग से जो सोच रहे हैं कि करे कि ना करे, करे तो क्या करे, उन सभी के दिलों में, दिमागों में हमें एक धड़कन पैदा करना है कि अभी जो हमें इनकम मिलने का रास्ता दिख रहा है, एड व्यू से जो कुछ मिलने का हमें आशंका था, उम्मीद था, उससे कई गुना बढ़ करके अभी हम सभी मेंबर्स को मिलने वाला है। अतः साथी पीछे ना रहे, आगे बढ़े और जालाइफ को अपना तन मन से सोते जागते सपनों में भी जालाइफ का शरण करे, जप करे कि जालाइफ से हमें आगे बढ़ना है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को जालाइफ में स्थायी रूप से स्थान पैदा करके जाना है, जो कि हमें अगले समय में याद करेंगे कि हमारे बाप दादा, हमारे अंकल जालाइफ में जुड़े थे करके आज हम इस पदान पर पहुंचे हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने सभी मेंटर्स को सुनने का आशा रखता हूं। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, जालाइफ की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सर का, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मंच के माध्यम से। दोस्तों, थैंक यू सर। जालाइफ क्यों करना चाहिए, जालाइफ क्यों करना चाहिए, तो हमारे यहाँ मंचों पे जो डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, दोस्तों इनको क्या जरूरत पड़ी जालाइफ करने की, क्योंकि इनके सपने बड़े हैं, इनकी सोच बड़ी है। और दोस्तों, जिसकी सोच बड़ी है, जिनके सपने बड़े हैं, वही जालाइफ को लगातार प्रयास करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सरकार आपका। तो चलिए दोस्तों, समय भी काफी हो चुका है, हमारे मेंटोरिकल टीम के भी यहाँ मौजूद है, उनको भी 2 मिनट लेंगे। लेकिन एक बार मैं देख पा रहा हूँ सुल्तान सैनी सर हैं जयपुर राजस्थान से। सुल्तान सैनी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची, कम ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम सर आपका। सुल्तान सैनी जयपुर राजस्थान, चलिए नेटवर्क इशू। सुल्तान सैनी जी, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, मैं थोड़ा सा बिजी था, ड्राइविंग कर रहा था। कंटिन्यू रखिए सर आप। ओके सर, तो चलिए दोस्तों, अगले कड़ी में हमारे बीच में फिरोज मेहर खान सर है जोधपुर राजस्थान से। फिरोज मेहर खान सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची, कम ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, गुड मॉर्निंग, मोर रनिंग। मैं फिरोज मेहर राजस्थान जोधपुर से, तो बताना चाहूंगा जितने भी मेंटर, जितने भी लीडर जो कंटिन्यू अपन को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, तो सर अपन वो भाग्यशाली लोग हैं, वो लोग हैं जो ये चीज समझ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं होगा। सही जगह टाइम अपना जा रहा है, तो सर बहुत खुशी है। और बाकी थोड़ा अभी बिजी था सर, तो लीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज मेहर खान सर। तो चलिए दोस्तों, अगले कड़ी में हमारे बीच में आईजीएस बाबा सर हैं। आईजीएस बाबा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची, कम ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम सर।
जीएस बाबा सर शुक्रिया चलिए जी सर कंटिन्यू। सभी हाजरीन मेंटोर्स लीडर्स हमारे बिजनेस पार्टनर्स को मेरी तरफ से सत श्री अकाल आदाब नमस्कार और वाहिगुरु परमात्मा अल्लाह गॉड से आप सबके परिवार की खुशियां और तंदुरुस्ती की कामना करता हूं। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है जी और हम बिल्कुल पूरी हाजिरी दे रहे हैं क्योंकि हम सजग हैं अपने आने वाले समय के लिए। तो भविष्य का सबको देखना चाहिए कि जो बीत चुका वो तो बीत चुका और जो वर्तमान है उसमें हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो जैसे कोई एक मुश्किल आती है तो उसका हल भी परमात्मा हमारे सामने रखता है, वो भी हमें नजर आ जाता है। तो पिछले समय में देखें आप, लॉकडाउन की मार सबको झेलनी पड़ी और काफी लंबा समय ये चला। उसके दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल मिडिल क्लास को आई क्योंकि अपर क्लास के पास तो काफी पूंजी थी जिससे उनका गुजारा वो आसानी से चल गया और लोअर क्लास को सहायता मिल गई सरकार से भी और कुछ दानी संस्थाओं से भी। बीच में रह गई मिडिल क्लास, तो उनका ये ऐसा दिख रहा था कि इनके पास सब कुछ है देखने में, पर हुआ यूं कि आखिर उनके भी जो कारोबार या जॉब वगैरह रुके हुए हैं तो इनकी इनकम अगर आ नहीं रही तो खर्चे तो हो रहे हैं। इसके दौरान उसकी पूंजी उनकी घटती गई और वो मुश्किल हालात ये थे कि वो कह भी नहीं सकते थे और मुश्किल से उनको वो हालात झेलने पड़ रहे थे, मतलब रो भी नहीं सकते थे पर अंदर से भरे हुए थे। तो इस मुश्किल के दौरान ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया जो आर्थिक आज़ादी वाला सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, ये एक रेवोल्यूशन है जिसे हमें पहचानना चाहिए। पिछले समय के दौरान हम अगर देखें तो हरित क्रांति आई क्योंकि जब अकाल पड़ गया 1970 के दौरान इधर गेहूं की पैदावार बिल्कुल कम हो गई थी नामात्र के बराबर, तो इंडिया को गेहूं मंगवाना पड़ा अमेरिका से। फिर ये मुश्किल जब देखी यहाँ के किसानों ने और सरकार ने तो एक रेवोल्यूशन खड़ा किया गया कि हमें खुद आत्मनिर्भर होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो पंजाब हरियाणा राजस्थान जो सभी एमपी सबके किसानों ने प्रदेशों के रल मिलकर ये काम किया कि इतनी मेहनत की इतना परिश्रम किया कि हरित क्रांति ला दी कि अब हम आत्मनिर्भर हैं और हमें किसी भी देश की और हाथ नहीं फैलाने पड़े, खुद हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये हरित क्रांति उन्होंने लाकर दिखा दी। फिर आया जी सफ़ेद इनकलाब और उसके बारे में आप देखें तो दूध की कमी थी, गर्मी के दिनों में भी जो सरकार को पाबंदी लगानी पड़ती थी कि ये दूध से बने वाले पदार्थ जो हैं वो उन पर पाबंदी, क्योंकि लोगों को दूध ज़्यादा मिलना चाहिए, अगर पदार्थ बनेंगे तो लोगों को दूध उपलब्ध नहीं होगा। अब वो भी देखिए तो उसके बारे में वही देखिए तो उसका भी काफ़ी जो है वो उपलब्धि हो गई है, उसकी भी कमी कोई नहीं आ रही। अब आगे आ गया जो लॉकडाउन के बाद जो पोजीशन बनी हुई है कि सबकी आर्थिक जो तंगी है तो उसको भी देखते हुए ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम एक शुरू किया गया जो शायद परमात्मा की कृपा से ही हुआ कि कोई ना कोई जब परमात्मा ने कोई कार्य किसी से करवाना होता है तो वो उसको प्रेरणा दे देता है, खुद सामने नहीं आता पर वो करवा देता है। और ये मुश्किल आई झेलनी पड़ी सबको, तो इसका भी एक हल हमारे सामने आया है कि थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें सिर्फ अपनी KYC तो हमारे सामने एक लार्ज इनकम का
सिस्टम हमारे सामने खुलता है, एक बंद दरवाजा खुलता है, जैसे पुरानी फिल्मों में